हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एमएस एक्सेल में कैसे मार्कशीट करते हैं ग्रेड के साथ उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने पहले से ही एक एक्सेल शीट में एक टेबल डिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो जहाँ पे मैंने लिया है स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, एवरेज और मैक्सिमम, मिनिमम एंड लास्ट में लिया है ग्रेड। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी ऐड करके रखा है, मैं एक डेटा और ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम एंटर किया, फिर क्लास एंट्री करेंगे, अभी रोल नंबर एंट्री करेंगे, फिर जिन जिन सब्जेक्ट में जितना मार्क्स उसको मिला है वो वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐसे आप बहुत सारे डेटा टेबल में ऐड कर सकते हो एक्सेल में। तो अभी हम आपको सेल कैसे मार्च करते हैं उसका प्रोसेस दिखाएंगे। जिन सेल को आप मार्च करना चाहते हो उनको पहले आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल सिलेक्ट किया, फिर हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट ग्रुप में एक मार्जिन सेंटर नाम का ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद देखो सारे सेल मिलके एक हो गए, तो ये हो गया आपका मार्च सेल। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे मार्कशीट टाइप कर रहा हूँ, फिर बाहर एक क्लिक करेंगे, उसके बाद मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर देंगे। तो फॉन्ट ग्रुप में देखो यहाँ पे बॉर्डर का एक बटन है, जहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो बॉर्डर ऐड हो जाएगा। फिर इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, तो ये वाला बटन से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर यहाँ से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो फिर हम यहाँ पे अंडरलाइन में क्लिक करेंगे, अंडरलाइन, तो ये मार्कशीट का जो अंडरलाइन ऑप्शन है ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आपको मार्च सेल करना है तो पहले सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्ज एंड सेंटर जो बटन है उसमें जाके आपको क्लिक करना होगा। अभी हम यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला ऐड करेंगे इन सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके। तो पहले हमको इक्वल साइन देना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे सम, इक्वल एस यू एम सम, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का जो वैल्यूज़ है उनको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सिलेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए टोटल आपको दिखाएगा, तो ये हो गया आपका टोटल। और बाकी सारे को करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट में क्लिक करके नीचे तक आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपका बाकी सारा जो टोटल है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, टोटल में क्लिक करेंगे और ये फॉर्मूला बार जो है यहाँ पर देखिए, जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पर टाइप किया था वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम एवरेज करेंगे, एवरेज करने के लिए लिखेंगे इक्वल एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम जो सब्जेक्ट का जो वैल्यूज़ है उन सारे को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, फिर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो साथ साथ ही एवरेज जो है इन सब्जेक्ट का वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और बाकी के करने के लिए यहाँ पे देखिए एक डॉट साइन है, जहाँ पे क्लिक करके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस यूज़ करके बाकी सारे को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल और एवरेज। तो ये टोटल का फॉर्मूला और ये एवरेज का फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो। तो अभी हम मैक्सिमम को निकालेंगे, इन सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है वो वैल्यू मैक्स के सेल पर दिखाएगा। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल एम ए एक्स मैक्स, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सब्जेक्ट का जो वैल्यूज़ है इन चार को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सिलेक्ट करके देंगे, ये चार वैल्यू को। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है तो मैक्सिमम में वो वाला आ गया। तो अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी सारे का जो जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे आपको मैक्सिमम के सेल में दिखाएगा। फिर हम अभी हम करेंगे मिनिमम, तो मिनिमम में क्लिक किया
उसके बाद लिखेंगे इक्वल एम आई एन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर हम जो सब्जेक्ट है उन चारों सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उनका वैल्यूज़ को, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अभी एंटर कर देंगे, करने के साथ साथ सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और बाकी सारे को करने के लिए आप सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए एंड तक, देखिए बाकी सारा भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है मैक्सिमम का फॉर्मूला, और मिनिमम में क्लिक करके ये देखिए मिनिमम का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम ग्रेड को स्टार्ट करेंगे, ग्रेड का अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इसके सेल्स को, फिर हम जाएंगे लेफ्ट में, तो ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल, जस्ट यहाँ से सिर्फ हमको अलाइनमेंट ग्रुप से लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करना है, तो उसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट सेट हो गया। अभी हम ये एक्सेल के शीट को थोड़ा जूम करेंगे, तो नीचे देखिए एक जूम में प्लस साइन ऑप्शन है जहाँ पे हम क्लिक करके इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं। तो ग्रेड जो है ये पूरा हम एवरेज के ऊपर करेंगे, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल इफ़, फिर हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, एवरेज के फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे, फिर लिखेंगे इक्वल ग्रेटर देन 90 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में डबल ए इनवर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, फिर दूसरा कंडीशन इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 80 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में ए प्लस इनवर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, फिर इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 70 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में ए फिर कॉमा, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 60 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में बी प्लस फिर कॉमा, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 50 तो इन्वर्टेड कॉमा में बी फिर कॉमा, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सी प्लस इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 ग्रेटर देन इक्वल 25 कॉमा देन कंडीशन आएगा सी फिर कॉमा, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन J4 इज लेस देन 25 तो यहाँ पे कंडीशन में डी आएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा रिकैप करते हैं, अगर 90 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो डबल ए, अगर एवरेज 80 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो ए प्लस, 70 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो ए, 60 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो बी प्लस, 50 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो बी, 40 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो सी प्लस, और 25 के इक्वल और ज़्यादा आता है तो सी, और अगर 25 से नीचे आता है तो आएगा डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना सारा ब्रैकेट यहाँ पे टोटल 8 ब्रैकेट को ओपन किया है, तो वो सारे 8 ब्रैकेट को मेरे को एंड में क्लोज करना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट किया, यहाँ पे टोटल 8 ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, फिर एंटर प्रेस करने के साथ साथ आपका ग्रेड यहाँ पे रेडी हो गया। बाकी सारे को करने के लिए सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा एंड तक, तो ये हो गया आपका ग्रेड कंप्लीट। जस्ट इसको अलाइनमेंट थोड़ा सेंटर करेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका टोटल मार्कशीट इंक्लूडिंग ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे टोटल, फिर एवरेज, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और यहाँ पे देखिए फाइनल जो ग्रेड हमने लिखा, तो ग्रेड का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दिखाएगा पूरा, ये फॉर्मूला भर में यहाँ पे मार्कशीट का काम टोटल कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कोई भी लिखाई का आप सिलेक्ट करके जस्ट सिर्फ पर्टिकुलर वो सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप वहाँ से कोई भी फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ चेंज करना है तो आप ये साइज़ का ऑप्शन है जहाँ से आप फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा मार्कशीट जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करके कर सकते हो।